बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बी श्रहली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा वो जीरो टर्म के बात करेंगे, चैप्टर सिक्स जो है वो जीरो टर्म के बात करेंगे, ठीक है? जरा ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द सेक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ योर बुक, ज्योमेट्री सेक्शन, एंड इन दैट सेक्शन वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हमने कौन कौन से कौन है वो भी बता दूं, पॉइंट, लाइन, लाइन की भी टाइप भी है वो भी, रे, एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है, और एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और, ठीक है। तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। मैं बताता चलूं कि ये चैप्टर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसमें थ्योरी आप लोग कम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, तो क्लासेस मिस मत कीजिएगा बच्चों और टाइमली ज्वाइन कीजिएगा। आज भी बहुत लेट बच्चों ने ज्वाइन की है क्लासेस, इस चक्कर में अपना लेक्चर भी लेट कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स बच्चों, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करने हैं। ज्योमेट्री के मुताबिक आप सब जानते हैं, जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट फिगर्स पढ़ते हैं, डिफरेंट फिगर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ज्योमेट्री की भी बच्चों टाइप होती है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अलग होती है, डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री अलग होती है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, फिर बाद में देखेंगे कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है या डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री, या दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चों हमने पढ़ना है वो है पॉइंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे पॉइंट ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों जितनी भी बाकी फिगर्स हैं हमारे पास, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल डायग्राम, वो सब पॉइंट से मिलकर ही बनती हैं। और पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? इट इज अ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो डायमेंशन। पॉइंट एक बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है बच्चों, जिसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ये रहा पॉइंट, सिंपल, ठीक है? ये बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन का मतलब बेटा मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, साथ साथ ध्यान में रखिएगा, जब भी हम कोई स्टडी करते हैं मैथ, बायोलॉजी, ज्योग्राफी या कोई भी फील्ड, तो उस फील्ड की बेटा अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है। जैसे इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजीज, एक एक इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी हार्ड रीसेट, हार्ड रीसेट, इसका मतलब मैं आपको बताता चलूँ, किसी डॉक्टर से पूछोगे शायद उसको ना बताओ हार्ड रीसेट क्या होता है, क्योंकि एक इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी है, इंजीनियरिंग फील्ड। आपके पास अगर कोई डिवाइस सही काम नहीं कर रही हो, लोड नहीं ले रही है, तो हमारे मुल्क में उसको हार्ड रीसेट कर दिया जाता है फ़ौरन से, बगैर देखे सोचे समझे। आपका वाईफाई काम करना बंद कर देता है तो आप लोग क्या करते हो, उसका बटन ऑफ कर देते हो और दोबारा ऑन कर देते हो कि शायद चलने लग जाए, और मोस्टली केसेस में वो चलने लग जाता है क्योंकि रीसेट कर दिया आपने उसको। इसी तरीके से आपका अगर लैपटॉप नहीं चल रहा, आप उसको डायरेक्ट पावर बटन दबाते हैं और उसको शट डाउन कर देते हैं अगर वो हैंग हो जाए तो, वेट नहीं करते कि ये शायद खुद लोड ले ले या कोई और तरीका इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, हम उसको हार्ड रीसेट कर देते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट से सोल्यूशन तो निकल जाता है बच्चों, लेकिन इससे सॉफ्टवेयर डैमेज होने का खतरा होता है। तो अच्छे तरीका होता है सॉफ्ट रीसेट के, पहले हम लोग क्या करें, अंदर ही सॉफ्टवेयर वाइज सेटिंग्स में जाके कुछ कोशिश करें कि वो सेट हो जाए या रीसेट हो जाए या रीस्टार्ट कर दें कंप्यूटर को, तो कोई मसला नहीं होगा।
बजाय पावर बटन डायरेक्ट दबाने के, हम अगर उसको सेटिंग्स में या मेन्यू में जाके रीस्टार्ट कर दें, रीलोड कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। उससे क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर डैमेज, और सॉफ्टवेयर डैमेज होने के साथ साथ कभी कभी हार्डवेयर भी डैमेज हो जाता है। अपनी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये एक हार्ड रीसेट एक टर्मिनोलॉजी है। इसी तरीके से बेसिकली हम ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे बच्चों, ताकि हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। टर्मिनोलॉजीज का समझना जरूरी है। तो ये टर्मिनोलॉजी हमें दिखाई दी डायमेंशन, ये ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी है। इस डायमेंशन का मतलब बच्चों क्या है, तीन डायमेंशन होती है बच्चों हमारे पास, 1D, 2D और 3D। ये 3D तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना, और 2D भी सुना होगा। जो गेमिंग के शौकीन बच्चे हैं उन्होंने तो 3D कार्ड का नाम सुना होगा, कि हम गेम के लिए 3D कार्ड एक इंस्टॉल कर लेते हैं कंप्यूटर में और हमारा जो गेमिंग PC है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है। इसके अलावा 3D, आजकल आप लोगों ने 3D ग्लासेस सुने होंगे, 3D मूवीज के बारे में सुना होगा। ये 3D होता है। तो डायमेंशन क्या होता है, तीन तरह के डायमेंशन हो सकते हैं बच्चों। इसको अगर मैं एक्सिस पे समझाऊँ, एक होती है एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, यानी कि इसके बाद लेंथ है और हाइट है, तो ये 2D फिगर है। और अगर उसके बाद थर्ड डायमेंशन भी आ जाए, थर्ड एक्सिस भी आ जाए, जिसको हम बोलते हैं थर्ड डायमेंशन, यानी कि इस तरह की फिगर 3D फिगर होगी जो एक्स पर भी होगी और वाई पर, यानी कि उसके पास कुछ हाइट भी होगी, तो ये 2D फिगर हो गई। और अगर उसके पास बैकग्राउंड में कुछ वेथ आ जाए इस तरीके से, अब देखो ये जो मैंने फिगर बनाई है ये आपको 3D लग रही है ना, 3D फिगर। इसके पास तीनों डायमेंशन आ गए, लेंथ भी आ गई, हाइट भी आ गई और वेथ भी आ गई। तो ये तीन डायमेंशन होती हैं टोटल, ठीक है। तो लाइन की अगर मैं बात करूँ, सिंपल एक लाइन, ये बच्चों वन डायमेंशनल फिगर है। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इसके पास कोई एक डायमेंशन होगी, वन एट अ टाइम होगी, ठीक है। तो लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है। और अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, ये स्क्वायर बनाया मैंने, या ये जो सर्कल बनाया मैंने, या ये जो ट्राइंगल बनाया मैंने, ये 2D फिगर है सारी बच्चों, क्योंकि इनके पास हाइट और विड्थ दो डायमेंशन आ रही है, के पास दो डायमेंशन आ रही है, ठीक है। और अगर मैं क्यूब बनाऊं या क्यूबॉइड बनाऊं, ये कैसी फिगर है, ये 3D फिगर है। इसके पास लेंथ भी है, हाइट भी और विड्थ भी है, ठीक है। तो ये 3D फिगर हो गई हमारे पास। इसी तरीके से ट्रायंगल को अगर 2D है, इसको अगर मैं 3D कर दूं तो प्रिज्म बन जाता है, है ना। डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप, क्या होते हैं डायमेंशन। तो पॉइंट भाई एक ऐसे भाई हैं जिनके पास कोई डायमेंशन ही नहीं है भाई, ना इनके पास लेंथ है, ना हाइट है, ना विड्थ है, कोई भी डायमेंशन नहीं है इनके पास, एक्स वाई जेड एक्सिस कुछ भी नहीं है इनके पास। तो पॉइंट इज अ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर दैट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती। पॉइंट को बच्चों रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से इसको नाम दे देते हैं। ये पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अगर इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है और हमें लग रहा है शायद ये इतना अहम नहीं है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं पॉइंट को। अगर ऐसा ही है तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि बाकी की जितनी भी फिगर्स हैं, बाकी की जितनी भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स हैं बच्चों, वो पॉइंट से मिलके ही बनती हैं। जैसे कि लाइन, ये है भाई एक लाइन, डेफिनेशन अब आपको समझ में आ रही होगी। एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके पास वन डायमेंशन है, जिसके पास क्या है, वन डायमेंशन है। लेकिन ये लाइन बनी कैसे बच्चों, ये लाइन बनी है यूनियन ऑफ पॉइंट्स से। बहुत सारे पॉइंट्स आपस में यूनियन कर लेंगे, मिल जाएंगे, तो एक लाइन बन जाएगी। बहुत सारे पॉइंट्स आपस में यूनियन कर लेंगे, मिल जाएंगे, तो एक सर्कल बन जाएगा। तो जितनी भी फिगर्स हैं ये पॉइंट से ही मिलके बनती, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो हम लाइन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यूनियन ऑफ पॉइंट ऐसे यूनियन ऑफ पॉइंट दैट आर इन वन डायमेंशन।
या सिंगल डायमेंशन, और अच्छा वर्ड लिखे। लाइन कैसे बनती है? लाइन यूनियन ऑफ पॉइंट्स से बनती है, बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं और लाइन बन जाती है, और ये सारे के सारे पॉइंट्स सिंगल डायमेंशन में, जैसे कि ये वाली फिगर बेटा टू डायमेंशन में, इसके पास लेंथ भी है, इसके पास हाइट भी है, तो ये वाली फिगर 2D फिगर है, याद रखिएगा। स्क्वायर या सर्कल कंप्लीट होना 2D के लिए जरूरी नहीं है, अगर उसके पास हल्की सी भी हाइट आ गई लेंथ के साथ साथ तो वो 2D फिगर हो जाएगी, लेकिन लाइन कोई एक डायमेंशन में ही जा रही है, ठीक है बच्चों। और लाइन के डेफिनेशन में एक और चीज ऐड कर लें, इसका कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इट हैज नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊं बच्चों, ये देखो, इसका कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये एरो बता रहा है कि यहां से भी एक्सटेंडेड है, पता नहीं कहां पर रुक रही है जाके, और यहां से भी इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, ये चलते ही जा रही है। तो लाइन जो है उसको पढ़ना मुश्किल हो गया भाई, लाइन का ना ही स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है ना एंडिंग पॉइंट पता है, अब हमें इसका कोई हल निकालना होगा। लाइन की डेफिनेशन में ही हमने ये बात पढ़ ली कि लाइन का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये एक वन डायमेंशनल फिगर है, पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं थी, पॉइंट बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर का, बहुत सारे पॉइंट्स मिले जो सिंगल डायमेंशन में थे, उन्होंने मिलकर एक लाइन बना ली, और एक ऐसी लाइन जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। अब हम फोकस करेंगे कि जैसे हमने देखा पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, तो लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको नाम देते हैं हम स्मॉल अल्फाबेट से, जैसे ये लाइन है एल, स्मॉल अल्फाबेट से हमने नाम दे दिया एल। एक और लाइन है, एक और लाइन है, इसको नाम दे दिया हमने M, और एक और तरीका भी है इसको नाम देने का, एक और तरीका नाम देने का ये, मिसाल तौर पे इस पे दो पॉइंट है X और Y, और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे लेकिन मुझे दो का नाम पता है, तो मैं इस लाइन को X Y भी बोल सकता हूँ, लेकिन ऊपर X Y लिखने के बाद ये सिंबल बना दूंगा जिससे पता चल जाएगा ये लाइन है X Y। तो दीज आर द टू वेज जिससे हम किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों? अगर एक लाइन होती है उस पर CD लिखा हुआ होता तो आप CD लिख के उसके ऊपर एरो बना देते हैं, इसका मतलब है लाइन, ठीक है? ठीक है बच्चों, दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट अ लाइन। अगर आप चाहें तो कॉपी कर लीजिए अपने पास जल्दी से, फिर हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम मैं बता दूं, लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास बच्चों पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ चुका है, डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट आ चुका है कि डायमेंशंस क्या होती हैं, टोटल 3 डायमेंशंस होती हैं, लेकिन खजर जमील ने और उजैर ने और मुश्तबा जावेद ने सिंधवाद में जाके एक ऐसी राइड ली थी जिसका जहां पर 6D थी, 6D मोशन राइड, और उन्होंने कहा कि सर ने तो बताया कि भाई 3 डायमेंशन होती है, हम लोग तो मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम तो 6 डायमेंशन वाले झूले में भी बैठ चुके हैं, सब बच्चे परेशान होंगे 6 डायमेंशन कहाँ से आ गए, तो कॉपी कर लें फिर मैं समझाता हूँ। आई होप आप सबने, डायमेंशन तो सिर्फ 3 ही होती है, 3 ही डायमेंशन होती है हमारे पास, लेंथ हाइट और विथ। इसको एक्स वाई जेड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये इस शक्ल में भी हो सकती है, उससे तो कोई चीज ऐसे पड़ी हो, लेंथ और हाइट और विथ ऐसे हो, ठीक है? तो डायमेंशन तो 3 ही होते हैं, तो ये सिंधबाद में 6D मोशन राइट कहां से आ गई, तो बता सकता है क्यों बोलते हैं इसको 6D मोशन राइट? जब 3 डायमेंशन फिगर्स होती हैं हमारे पास तो ये 6D, 4D, 5D
एक और कहीं देखा था मैंने मॉल में, वहां पर 4D या 7D पता ना था शायद पे नाम भाई, उन्होंने किया कुछ भी नहीं, 3D तो था ही था, आप ग्लासेस लगा के देखोगे तो 3D वीडियो आ रही होगी, मैंने 4D क्या बोल दी, क्या आपकी सीट्स के साथ साथ वो भी हिल रही है, वो भी टर्न कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उन्होंने कहा ये 4D हो गया, 4 डायमेंशन हो गई। फिर उन्होंने देखा कि जब पानी, अगर वीडियो में कहीं पर पानी स्प्लैश हो रहा है तो यहाँ से स्प्रे क्या करता है, स्प्रे हो गया, डायमेंशन हो गए, क्लाउड आ रहे हैं तो यहाँ पर वो स्मोक छोड़ देते हैं, उसको 6D का नाम दे दिया, या उसके अंदर दिखाया कोई रैट भागता हुआ जा रहा है या कोई डॉग भागता हुआ आ रहा है, तो आपके पैरों के पास से कोई चीज मूव करा देंगे, वो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, 7th डायमेंशन। तो ये भाई डायमेंशन नहीं होती, इनको हम मैथ्स की जबान में डायमेंशन नहीं बोलते, वो तो उन्होंने बोल दिया उसको, मैथ्स की जबान में 3 डायमेंशन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों, यहाँ से आपको डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अपना IQ लेवल थोड़ा बढ़ा लें। ये केक है, आपने इस केक के ऊपर 3 टाइम्स कट करना है, और उसके कितने पीसेस होने चाहिए, 8 पीसेस होने चाहिए, ये आप लोगों को एक होमवर्क टास्क दे रहा हूँ, उसके बारे में सोचना, नेक्स्ट क्लास में मैं बता ही दूंगा। ये केक है, राउंड ले लो, स्क्वायर ले लो, कोई सा भी केक ले लो, इसके ऊपर आपने 3 टाइम्स कट करना है और आपके पास 8 पीसेस होने चाहिए इसके, अभी गिन रहा हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीसेस हो रहे हैं। 3 टाइम्स आपने इसके ऊपर जो है वो नाइफ चलानी है और इसके 8 इक्वल पीसेस होने चाहिए, और मैं करके दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि यूं घुमाते हुए छुरी यूं ले जाएंगे ऐसे ले जाएंगे, भाई ये सब नहीं करना, करतब नहीं दिखाना, ठीक है, एक्रोबैट नहीं बनना हमें जो है, इसको बेसिकली नाइफ को चलाना है 3 टाइम्स और उसके 8 इक्वल पीसेस करना है, ठीक है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। भाई ये किस बला का नाम है, ये किसी बला का नाम नहीं है, लाइन के बारे में हम पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो हम अपने पढ़ने की आसानी के लिए क्या करते हैं, लाइन का एक सेगमेंट ले लेते हैं, सेगमेंट कहते हैं पार्ट को, और इस स्टार्टिंग और एंडिंग वाले पार्ट में जहां पर लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हो, इसको लाइन नहीं कहते बच्चों, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है बच्चों। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी, ये यूनियन ऑफ पॉइंट से बनती है, 1 डायमेंशनल फिगर है, वो तो लाइन भी थी, लाइन की डेफिनेशन में एंड में लिखा था इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इसकी डेफिनेशन में क्या लिख देंगे हम, इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। लाइन का नाम था हमारे पास AB, जिसके ऊपर हमने इस तरीके से एरो करके बार बनाया हुआ था, लाइन सेगमेंट का नाम होगा AB और उसके ऊपर सिर्फ बार बना देंगे, तो दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट। वाई वी क्रिएटेड अ लाइन सेगमेंट बच्चों, बिकॉज लाइन को हम नहीं स्टडी कर सकते, उसकी डायमेंशन है हमारे पास लेकिन स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है, कैसे मेजर करेंगे, स्केल कहाँ रख के मेजर करेंगे कि लाइन कितनी बड़ी है, नहीं कर सकते ना, इसलिए हम लाइन का एक सेगमेंट ले लेते हैं बच्चों, और उस सेगमेंट को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इस सेगमेंट को स्टडी करना आसान है कि इसकी लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने मीटर, इतने मिलीमीटर, इतने सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट इज सेम, द एंडिंग इज चेंज, जहां पर हमने लाइन की डेफिनेशन में लिखा था इट हैज नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन में हम लिखेंगे इट हैज अ स्टार्टिंग एंड एन एंडिंग पॉइंट, ठीक है भाई। फातिमा, आसिफ, जहरा, खजर, उमर, हलीमा, आयशा, शब्बीर, क्लियर है भाई, ये बात समझ में आ रही है सबको। आज हमने पॉइंट देखा, सदर जमील, किस पॉइंट को समझा दूं बेटा एक और दफा, जरमीन वाजिद हाउ आर यू,
रमीन, यू आर न्यू स्टूडेंट इन आर क्लास. वी ऑल वेलकम यू एंड आई होप वी आर गोना हैव अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस टुगेदर. ओके, लाइन समझा दूंगा. असद असद भाई कह रहे हैं लाइन समझा दूं. देखें असद भाई, लाइन बहुत सारे पॉइंट मिले, लाइन बन गई. इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, एंडिंग भी नहीं है. इस एरो का मतलब है कि ये यहाँ से भी एक्सटेंडेड है, यहाँ से भी एक्सटेंडेड है, यानी कि इसके कोई स्टार्टिंग और कोई एंडिंग नहीं है, चलते जा रही है, चलते ही जा रही है. ठीक है, इसको पढ़ना मुश्किल था, इसका एक सेगमेंट ले लिया. बहुत सारे पॉइंट थे ना इसके अंदर, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट ले लिया ए से बी तक. बीच में क्या पता और बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, हम ए से बी तक हमने एक सेगमेंट ले लिया, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. तो अ लाइन सेगमेंट इज वन डायमेंशनल फिगर जो कि यूनियन ऑफ पॉइंट से बनी है. लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो अ वन डायमेंशनल फिगर जो कि यूनियन ऑफ पॉइंट से बनी है. अ लाइन हैज नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. अ लाइन सेगमेंट हैज अ स्टार्टिंग एंड एन एंडिंग पॉइंट. क्लियर? लाइन का नाम देते हैं इस तरीके से या स्मॉल अल्फाबेट से, जैसे एम एन. लेकिन हमने ये तरीका भी देख लिया कि इस तरीके से भी लाइन का नाम दे सकते हैं. जी जी बेटा, वही समझा रहा हूँ, लाइन ही समझा रहा हूँ, दोनों एक ही तरह की चीज है. ठीक है, लाइन के साथ ही है लाइन सेगमेंट. असर, अ लाइन हैज इज अ वन डायमेंशनल फिगर, इज अ यूनियन ऑफ पॉइंट, इट हैज नो एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. अ लाइन सेगमेंट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ पॉइंट, इट हैज वन डायमेंशन, इट हैज अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. लाइन का नाम देंगे ऐसे, ऊपर बनाएंगे बार, साथ में एरोज भी होंगे. लाइन सेगमेंट का नाम देंगे ऐसे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के साथ, ऊपर सिर्फ बार बनाएंगे, एरोज नहीं होंगे उसमें, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है. एरोज का मतलब एक्सटेंडेड है, यहाँ से भी एक्सटेंडेड है, यहाँ से भी एक्सटेंडेड. अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. दरमीन, आपको समझ में आ रहा है बेटा? I am unmuting all of you, so you can ask any question if you want. Sarmeen Wajid, आपको समझ आ रहा है बेटा? Hello. जी. जी जी बोलिए. सर, ये जो आपने बोला है स्क्वायर के अंदर वो जो थ्री कर्व्स डाल के एट पीसेस निकालने हैं, सर ये कैसे पॉसिबल है? क्या करना है सर? ये जो आपने अभी दिया है कि वो आईपी लेवल वाले से क्वेश्चन दिया सर, ये पॉसिबल ही नहीं है. अरे है ना यार उमर भाई, आप ऐसा बोल रहे हैं, मुझे तो उम्मीद थी उमर ही सबसे पहले आंसर देगा. फजर उमर, मेरे इतना ट्राई कर लिया सर, हो ही नहीं रहा. उमर आज पूरे दिन ट्राई करना और डायमेंशन वाली बात जहन में रख के ट्राई करना. मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आर्मी के टेस्ट के लिए गया था ना, आर्मी के टेस्ट के लिए गया था, तो वहाँ उनके जो 4-5 दिन का टेस्ट होता है, उसमें इंटरव्यू होता है. सर कितने इक्वल, सर कितने इक्वल पीसेस करने? 8 और सर कितने कट्स में? 3 स्लाइस बनाने हैं आपने, 3 दफा. क्या क्या सर आर्मी के टेस्ट में? क्या मैं बता रहा हूँ, उन्होंने वहां पर एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, आईक्यू का क्वेश्चन है, और मैंने गलत जवाब दिया था. क्योंकि मैं डायमेंशन वाइज नहीं सोच रहा था. उन्होंने फिर मुझे आइडिया दिया कि यार इस तरह सोचो, तो मैंने जवाब मैंने ही दिया, लेकिन मैंने पहले उनसे यही कहा था कि सर मुझे नहीं आ रहा. ठीक है, तो उन्होंने बताया बेटा इस तरीके से सोचो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायमेंशन को जहन में रखते हुए सोचो, थर्ड डायमेंशन को जहन में रखते हुए सोचो. अभी आप 2 डायमेंशन पे छुरी चला रहे हो, तीसरी डायमेंशन को जहन में रखते हुए देखो, शायद आपका आंसर निकल जाए. अब आप बच्चों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, अपना होमवर्क सेक्शन और टेस्ट सेक्शन देखते रहिए. ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं आएंगे? ठीक है भाई, आई लिख के अल्लाह हाफिज़.